नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पुनिता की आवाज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा करुणा, दया और अहिंसा था। वे कहते थे कि सभी प्राणी दुख से बचना चाहते हैं और इसलिए हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। उनके उपदेश में यह भी कहा गया कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और दया भाव रखना चाहिए। बुद्ध ने जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेदभाव को नकारते हुए सबके प्रति समानता का संदेश दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। इस कहानी के माध्यम समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी परिस्थितियां हमेशा उसके अनुकूल नहीं थी। गरीबी और संघर्ष ने उसके जीवन को कठिन बना दिया था। राघव के पिता एक साधारण किसान थे और उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। राघव के पास पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे, लेकिन उसके भीतर सीखने की जबरदस्त ललक थी। वो रोज गांव के स्कूल के बाहर खड़ा होकर खिड़की से कक्षाओं में दी जा रही शिक्षा को सुनता था। कई बार अध्यापक उसे देखते और अंदर बुला लेते, लेकिन राघव के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह गांव के अन्य बच्चों से उधार लेकर पढ़ाई करता और रात में दिए की रोशनी में मेहनत से पढ़ता था। गांव वालों को उसकी इस मेहनत पर विश्वास नहीं था। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत करने से क्या होगा, गरीबी का जीवन कभी नहीं बदलने वाला। लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। उसकी माँ हमेशा कहती, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। समय बीतता गया और राघव ने सरकारी छात्रवृत्ति परीक्षा दी। उसके अथक परिश्रम ने उसे सफलता दिलाई और वह पूरे राज्य में शीर्ष स्थान पर आया। उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिला। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, जिसे हम नाकाम मानते थे, उसने तो सच में कमाल कर दिखाया। कॉलेज में भी राघव ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। उसके प्रोजेक्ट ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की। धीरे धीरे उसकी सफलता की कहानी सब जगह फैल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करते थे और उससे प्रेरणा लेने लगे। कुछ सालों बाद राघव अपने गांव लौटा। इस बार वह एक सफल व्यक्ति के रूप में लौटा था, जिसने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन को बदल दिया था। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, ताकि किसी और बच्चे को उसकी तरह शिक्षा के लिए संघर्ष न करना पड़े। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप जीत नहीं सकते। हार से डरने के बजाय उसे एक नया सबक मानो। हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाने का एक मौका होती है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जागो। कभी हार मत मानो, क्योंकि महान चीजों को समय लगता है। जो लोग कोशिश करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब इस कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। राम एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता था। फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। राम को पता था कि अगर उसे सफल होना है,
तो उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई के लिए किताबें उधार ली और गांव के शिक्षकों से मदद मांगी। जब भी कोई कठिनाई आई, उसने उसे एक चुनौती के रूप में लिया और उसे पार किया। वो खेतों में काम करता, घर के कामों में हाथ बटाता और उसके बाद भी देर रात तक पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन राम को अपने आप पर विश्वास था। समय बीतता गया और राम ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का फल उसे तब मिला जब उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली। उसने कॉलेज में भी जी तोड़ मेहनत की और अंत में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करते नहीं थकते। राम ने उन्हें यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में हौसला और मेहनत करने की इच्छा हो, तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कभी भी हालातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।